नमस्कार दोस्तों, वंशी विष्णु एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जा रहे हैं दुनिया की सबसे खतरनाक बॉर्डर भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर देखने के लिए। सो मेरे साथ आएगा अंगलू, विवेक और विवेक की मम्मी। हम जाएंगे यहाँ से, अहमदाबाद से करीबन 250 किलोमीटर दूर हैं, तो अभी हमारा सफ़र शुरू होता है और करीबन 4.5 घंटे लगेंगे। तो चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं और क्या क्या हमारे साथ प्रोसेस होता है वो भी सब दिखाएंगे। लेट्स गो, इसे चलें। कहाँ पे जाएंगे बे? इधर जाना है बे, पाकिस्तान बॉर्डर देखने। बोलो। पता नहीं कितने पहिए हैं, वो भी आप देख लीजिए। और ये है इंडिया की चौड़ी सड़कें और हर जगह पे बने हुए ब्रिज। दोस्तों, मेहसाणा से थोड़ा सा पहले जो रिंग रोड आती है बाईपास, उससे बाहर से निकलना होता है आपको। आगे से फिर आपको राधनपुर पाटन वाली रोड पकड़नी होती है। तो फिलहाल दोस्तों पहुंच गए हम चाणस्मा, जो मेहसाणा से थोड़ा सा आगे हैं। अब सीधा जाते हैं हम राधनपुर की ओर। रास्ता वस्ता दिखाना है वो विवेक का काम है, उसके पास एक मोबाइल है दूसरा, वो विवेक काम करता है। मैं गाड़ी चलाता हूँ और ऋषभ है वो बस मस्तियाँ करता है और कुछ नहीं। अंगलू, जैसे ही गांव की तरफ बढ़ते दोस्तों गांव की झलक देखने को मिल जाती है। यहाँ पे देखिए, ये है गाड़ी और सवारी, ये लोग पैसेंजर है और बस शहर से घर की ओर जा रहे हैं। तो फिलहाल हम राधनपुर से थोड़ा सा पहले रुक गए आपको दिखाने के लिए कि यहाँ पे कितनी खुली जगह है। इस जगह को देख करके थोड़ा सा दिल में शांति मिलती है यार। जब हम शहर में होते ना, वहाँ जगह नहीं होती गाड़ी रखने के लिए। और यहाँ देखो, दूर तक फैले हुए अच्छे अच्छे खेत है, लेकिन कोई आदमी देखने को नहीं मिलता है ना विवेक? ऐसा ही लग रहा है, कहीं कोई कुछ भी नज़र नहीं आएगा आपको, बस रेगिस्तान जैसा दिखता है यहाँ वीरान। और इस वीराने के बीच में सड़क निकलती है कुछ ऐसी, ये देखिए। और यहाँ पे मिले हैं पैसे हमको, ये पैसे है? विवेक ने देखा है, विवेक ने देख लिया था इसको। ये मेरे हो गए, मैंने देखा। ये हम किसी को देंगे, 10-10 रुपए करके हम बांट देंगे। राधनपुर में आपका स्वागत है दोस्तों। अभी हम राधनपुर में एंटर कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले हमको लेफ्ट टर्न करना है। यहाँ पे आ गया ब्रिज, ओवर ब्रिज, बाएं मुड़ो, बाएं मुड़ो, गूगल मैप बता रहा है। तो राधनपुर आते ही हमने ऋषभ की फरमाइश पूरी की। ऋषभ क्या लेना है? अंगलू। तो अंगलू ले रहे यहाँ से, इसीलिए तो नाम ऋषभ का अंगलू हो गया। इस गर्मी में हमें रेगिस्तान के जहाज मिल गए हैं और ये असल में रेगिस्तान है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, कितने छोटे ऊंट के बच्चे हैं भाई, देखिए ये लोग कितनी गर्मी में इनको चराने के लिए चले जाते हैं, देखिए। तो भाई साहब, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बोर्ड लगा है, नड़ाबेट और सुईगाम इस तरफ है। तो भाई साहब, हम पहुंच गए हैं सुईगाम और यहाँ से कोई परमिशन नहीं लेना, यहाँ से भी सीधे ही सीधे जाना है। यहाँ से 20 किलोमीटर और जाना है
और वहाँ पे नड़ावेट मंदिर ऐसा कुछ बताया, यहाँ पे दुकान पे मैंने पूछा तो वहाँ से आपको परमिशन मिलेगी। मेरे पापा अभी खड़े हैं, परमिशन ले रही है। दोस्तों अब कुछ रास्ता ऐसा है, एक्चुअली यहाँ पे ये क्रिक टाइप है तो यहाँ पे ब्रिज का काम चल रहा है और हमने फौजियों से एंट्री ली पहले और फिर हम आगे आए। वहाँ पे लिखाना पड़ता है आप कहाँ से आए, कितने लोग हो, ये सब कुछ, और एक आपको टोकन नंबर दिया जाता है, उसके आधार पर फिर आपको जब रिटर्न जाओगे तो उनको बताना होगा कि भाई इतने नंबर टोकन नंबर था। ये गाड़ियाँ कुछ इस तरह से रेंगती हुई चल रही यहाँ से। ये सामने जो दिख रहा है आपको पानी जैसा दिख रहा है लेकिन वहाँ पानी होता ही नहीं है, पानी है ही नहीं, ये ऐसे ही। पाकिस्तान की ओर जाते हुए हम लोग, और रास्ता कुछ ऐसा दिखाई देता है यहाँ पे, बस इक्का दुक्का गाड़ियाँ आती हुई दिख जाती हैं, इलेक्ट्रिक लाइन जाती है इस तरफ और कुछ नहीं, बस ये है कंटीली झाड़ियाँ। अब जैसे ही आप नड़ावेट आते हैं तो यहाँ पे आपके फैसिलिटी के लिए सेंटर बन रहा है, थोड़े दिनों बाद आपको यहाँ पे अच्छी सुविधा मिल जाएगी और पूरी यहाँ पे फुल फैसिलिटी होगी। काफ़ी बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है इस तरफ भी और इस तरफ भी। अब परमिशन कहाँ से लेना है मुझे आइडिया नहीं, अभी चलते शायद आगे ही होगा जो मंदिर है वहाँ पर परमिशन मिलेगी। ओके, यहाँ पे है मंदिर आपका और इस तरफ कैंप भी इस तरफ है, तो अभी जाते हैं इधर कैंप कहाँ ढूंढते हैं, फिर परमिशन मिलती है फिर आपसे बात करते हैं भाई यार क्या 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 हुआ यहाँ पे। मंदिर के बाहर साफ है, जैसे इस तरफ से आते हैं दोस्तों इस तरफ है आपका मंदिर। गाड़ी बाहर रखने के बाद हमको जाना होता है इस मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों ये है मंदिर की खूबसूरत जगह और यहाँ पे एक मंदिर भी है बहुत बड़ा, आपको दिखाते हैं आगे। यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं गाँव से, मंदिर के थोड़ा और आगे आते हैं तो यहाँ पे BSF कैंप है, वहाँ से आपको परमिशन मिलती है। ये वो इलाका है जहाँ से आपको परमिशन मिलेगी और ये सब लोग जितने भी गाड़ियाँ हैं वो सब इसी के लिए खड़े हैं। तो वहाँ से लिया परमिशन, उसकी कुछ पर्ची ऐसी होती हैं जिसमें आपको मोबाइल नंबर, आधार नंबर और कितने लोग हैं ये सब कुछ और गाड़ी नंबर ये सब एंट्री होती है, और वो भी ओरिजिनल आपको साथ में चाहिए, टू व्हीलर अलाउड नहीं है। बोलो बेटा चलो चलो चलो। फावक हो गए, अब मैं क्या करूं। अब मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा कि ये पूरे एक दिन का ही प्रोग्राम बनता है। आप सोचते हो कि भाई यार आधे दिन में आ जाएंगे या ऐसा कुछ नहीं है, कम से कम एक दिन आपको लग ही जाएगा। यहाँ से परमिशन लो, वहाँ पे आओ, आपको पता नहीं होता जाना कहाँ है, पूछते पूछते जब आप यहाँ पहुँचते हो फिर थोड़ी देर खड़ा रहना पड़ता है, तो ये सब प्रोग्राम है। पर फिर भी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके कि इतना सब देखने को मिल रहा है। घर के लोग आ रहे देखो, सकड़े में, गाड़ी में, ट्रैक्टर में, और ये है कबूतरों के लिए अच्छा सा एक चबूतरा बना हुआ रहने के लिए घर बनाया हुआ है। यहाँ पे देखिए 26 किलोमीटर जीरो लाइन बॉर्डर है यहाँ से लिखा हुआ है, ये देखिए जो सामने नाका दिखाई दे रहा है ना आपको, वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे वो पर्ची दिखाएंगे, बाद में हम लोगों को जाने देगा। और बीच बीच में ये पॉइंट बने हुए हैं जहाँ से आप ऐसे गाड़ी साइड में लेकर के, मतलब सामने से जो गाड़ी आ रही है उसको साइड दे सकते हैं, जगह दे सकते हैं। सो फाइनली हम लोगों को एंट्री मिल गई है, अब हम जा रहे हैं बॉर्डर की तरफ। बॉर्डर यहाँ से 20 किलोमीटर है। तो भाई साहब ऐसा कुछ मामला है, हम लोग चलते जा रहे हैं बस दूर तक आपको वीराना नज़र आता है, सिंगल रोड है। ये आपके लिए विवेक की ओर से टिप्स है, जो मैं बातें नहीं बता सका वो विवेक बता रहा है कि यहाँ पे आते हो तो कम से कम पानी 5-10 लीटर लेके आइएगा,
और यहाँ पे अगर आप गाड़ी से उतर के कहीं दूर चले गए, रास्ता भटक गए, तो आपको कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। यहाँ पे कोई इंसान नहीं है, पेड़ भी नहीं है, घर भी नहीं है, और गर्मी इस हद तक गिरती है ना कि आदमी की जान ले ले। बॉन्डर दिख रहा है आपको वहाँ पे? भाई साहब, हमने सोचा है कि आपको नीचे उतर के कुछ दिखाएं, लेकिन यहाँ तो एक और नई मुसीबत खड़ी हो गई। जैसे ही नीचे उतरे, अभी दिन के 2 बज रहे हैं, फुल धूप है, और पता नहीं मच्छर, इतने सारे मच्छर ना, एक मिनट में हम हमला कर लिया, हाथ पे मुंह पे, जिधर मौका मिले उधर काटने लग गए। सो फाइनली हम लोग बॉर्डर के बिल्कुल पास पहुँच गए। मुझे फेंसिंग नज़र आ रही है यार, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा घुमा के। ये देख रहे हो इंडिया की चेक पोस्ट है, ये बॉर्डर है, और साथ में इलेक्ट्रिक लाइन है, और यहाँ पे फ्लड लाइट भी लगाई गई है। और ये सामने देख सकते हैं, वहाँ पे है आपका बॉर्डर का मेन पॉइंट जो देखने के लिए आते हैं। मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड, वेलकम टू इंडो पाक बॉर्डर। वाओ, पिछले 2 साल से सोच रहा था यहाँ पे आऊँ और फाइनली यहाँ पे आ गया। अब ये है इधर पार्किंग, वहाँ पे झूले वूले सब, यार अच्छे मज़े यार। सो भाई साहब, फाइनली हम लोग उस जगह पे पहुंच गए हैं जहां से आपको पाकिस्तान दिखता है, और पाकिस्तान के आप ठीक बिल्कुल पास में है। ये देखिए, ये है फेंसिंग, इस फेंसिंग से भी 150 मीटर आगे की तरफ मतलब पाकिस्तान है, वहां पे बीच बीच में पिलर भी है, और ये बॉर्डर के साथ पूरी रोड भी है, और यहां पे फेंसिंग भी बनी हुई है, और यहां पे अलग अलग सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं। देख, जय हिंद, छोटे छोटे बच्चे जय हिंद बोल रहे हैं। ऊपर भारत पाकिस्तान के बॉर्डर जो है, वहाँ पे हर जगह पे ऐसी लाइटें लगी हुई है, ये जो है पूरी बॉर्डर पे हर जगह पे लगी हुई है, ताकि रात को अगर कोई आता हो तो दिख जाए। वैसे तो ये फेंसिंग क्रॉस कर पाना मुश्किल है, लेकिन इसके भी लोगों ने उपाय करके रखे हुए हैं, और रात को इसमें करंट भी देते हैं। ये देखिए, यहाँ से ये हमारे 2 सुपुत्र हैं जो इस धूप में यहाँ पे मौज कर रहे हैं। देखिए कैसे उंगलू कैसे घूम रहा है, देखो, पाकिस्तान की सरहद के ठीक पास में सामने, वो रहा पाकिस्तान की, वो देखो झोपड़ी है कुछ है वहाँ पे। हम चलेंगे ना उस तरफ टावर के ऊपर, तो दिखेगा अपने को वहाँ से। उसको अब जूम करते हैं, और मैं एक दूसरे कैमरे से जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, अभी हम लोग आए यहाँ बॉर्डर पे, ये पाकिस्तान है उस तरफ, और इस तरफ इंडिया है। पाकिस्तान की ओर से कुछ ज़्यादा तो दिखाई नहीं देता है, कुछ गाय यहाँ पे दिख रही है, एक झोंपड़ा है यहाँ पाकिस्तान की चेक पोस्ट है, पता नहीं मुझे। और ये जो फेंसिंग दिख रही है ना विवेक, ये दिखाओ, इस फेंसिंग के ठीक 150 मीटर आगे की तरफ पाकिस्तान की मतलब जीरो लाइन वहाँ पे है। और ये हमारा ऋषभ है, और हम लोग यहाँ पे घूम रहे हैं। यहाँ बच्चों के खेलने के लिए अच्छी जगह है, पूरा मैदान जैसा है, और अभी यहाँ पे वो रिट्रेट सेरेमनी नहीं होती है जो पहले होती थी, वो वहाँ पे होगी, जहाँ पे हमें परमिशन लेनी पड़ती है वहाँ पे होगी। और ये बॉर्डर बहुत लंबा है, और इंडिया की तरफ से मैं अगर बात करूँ ना, तो भाई कितना काम किया है यहाँ पे, लाखों करोड़ों रुपये यहाँ पे डाले होंगे, तब जा कर की पूरी फेंसिंग बनी होगी। इतने सारे मिलिट्री है यहाँ पे, हर थोड़ी देर दूरी पे चेक पोस्ट बना हुआ है, लेकिन उस तरफ से कुछ भी नहीं यार, मतलब किसी को कुछ परवाह ही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। तो यही सब मामला है। अब हम यहाँ पे घूम रहे हैं, आपको थोड़ा बहुत उधर एक सामने वो बना हुआ है सेल्फी पॉइंट, वो जो दिख रहा है आपको, और पीछे बच्चों के खेलने के लिए जगह भी है, और जो वहाँ से आप परमिशन लेके आते हैं ना, वो स्लिप यहाँ पे भी दिखानी पड़ती है, नाम लिखाना पड़ता है। ओके, तो ऋषभ और इनको काफ़ी मज़ा आया। यहाँ पे एक बात और है कि ये जो बॉर्डर है ना, पूरी फेंसिंग के पास पास ऐसी लाइट भी लगी हुई है हैलोजन, वो उस तरफ दिखाई भी देता है कि यहाँ पे कोई आता हो तब। सो अभी यहाँ पे भी मेरे सब्सक्राइबर मिल गए हैं, ये सब लोग बॉर्डर देखने के लिए आए हैं। हाय, भाबर से आए ना? भाबर से। सो ये पहले से वीडियो देखते हैं, और मेरे को बताया तो पता चला कि भाई हाँ, यूट्यूब पे ये मेरा सब्सक्राइबर होता है। हाँ,
सो यहाँ पे दर्शन करने भी आए और बड़े देखने पहले आए कभी? यहाँ पे दो बार आ चुके। कैसा लगता है यहाँ के? बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। और पाकिस्तान के बारे में क्या कहोगे? अच्छा है या खराब है? नहीं अच्छा नहीं है, हम खराब है। खराब भी नहीं, अच्छा भी नहीं है ना? अच्छा भी नहीं है, खराब भी नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। यहाँ पे देशभक्ति की धुन सुनाई देती है और लोगों का मेला। और ये है यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए एरिया, जो कुछ ऐसा दिखता है। और ये सामने पोस्ट है और उस तरफ सामने एक और चेक पोस्ट है, वहाँ पे भी तिरंगा है और मिलिट्री के कैंप बना हुआ है। और ये है पाकिस्तान की बॉर्डर। को भी झूला खाना है तो चलिए जल्दी भागो। ये देखिए बड़े बुड्ढे छोटे मोटे जो भी यहाँ पे है सब फायदा उठा रहे हैं पूरा। ये है कुछ इंडो पाकिस्तान का नज़ारा। विवेक तो कुछ अलग कर रहा है यार, खाएं किससे आना? आ जा, धक्को मार, छोड़ दे। चल चल चल, उसको आगे वाले को पकड़ ले। हाँ ऐसे, अभी आगे वाले को पकड़ ले, आगे वाले को। अरे वाह, तो फिलहाल भाई मैं हूँ वॉच टावर के ऊपर और यहाँ का नज़ारा तो आप देख ही पा रहे। ये पीछे पार्किंग है और इस तरफ ये स्मारक बना हुआ है। ये है पाकिस्तान की बॉर्डर, मतलब इंडिया के द्वारा बनाई गई फेंसिंग है और उस तरफ पाकिस्तान है। इस फेंसिंग से 150 मीटर आगे की तरफ पाकिस्तान है, जहाँ पे छोटे छोटे पिलर बने हुए हैं कम से कम 500 मीटर के बाद। और इंडिया की तरफ से हर 200-300 मीटर के बाद एक चेक पोस्ट बना हुआ है, वहाँ पर इंडियन फौजी है और उनके पास सामग्री भी है। और उस तरफ पाकिस्तान की बात करूँ तो वहाँ पे कुछ भी नहीं है। और एक बात दोनों देशों में फ़र्क बता दूँ कि इंडिया की तरफ आते ही पूरा सूखा रण जैसा दिखाई देता है। ये देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई देगा आपको, एक पत्ता भी नहीं दिखेगा, एक जीव जंतु पौधा कुछ भी नहीं। और जब पाकिस्तान की तरफ मैं घूम जाता हूँ तो उस तरफ पेड़ पौधे हैं, घास वगैरह है, सब कुछ है यार। ओके तो टोपी उड़ गई है, यही कुछ मांजरा है, यही कुछ नज़ारा है यहाँ पे। और इंडिया की तरफ से फेंसिंग बनी है, उसके आसपास रोड भी बनी हुई है और यहाँ पे मिलिट्री गश्त भी करती है, सो ज़बरदस्त। ये देखिए ये कुछ नज़ारा है यहाँ पे। सो यहाँ पे जैसे ही आते हैं यहाँ पे पार्किंग होती है, वहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए जगह है, उस तरफ पानी और ये सब है। और ये गेट है, वहाँ पे आपको चिट्ठी दिखानी होती है और उसके बाद आप इस तरफ जा सकते हैं, वहाँ पे फेंसिंग के पास में भी और वहाँ तक, उससे आगे नहीं जा सकते। सो यही कुछ मसला है। और उस तरफ सामने पाकिस्तान है और वहाँ पे उनकी पोस्ट भी है। इस झंडे के ठीक बगल से इस तरफ देखिए यहाँ पे एक कुछ केक बना हुआ है और यहाँ पे आसपास कुछ भी नहीं है। और उस तरफ जो पहाड़ दिख रहे हैं ये पहाड़ पाकिस्तान के अंदर है, इंडिया में नहीं है। ओके अभी हमारी टोपी उड़ गई थी। सो अभी टोपी उड़ गई थी, विवेक वापस लेकर के आया है। अब मैं छोड़ दूंगा, भाई जाएगी। ठीक है, अब मैं जूम वाले कैमरे से आपको ये दिखाने की कोशिश करूंगा। वो पिलर एक दो और एक उस तरफ तीन, एक उस तरफ चार। ये एक वॉच टावर बना हुआ है और यहाँ पे खड़े रह करके आपको देखना होता है। अगर इस तरफ की बात करूँ तो आपको दूर दूर तक कुछ भी नज़र नहीं आएगा आपको, कुछ भी है ना, यही कुछ मसला है। और इस तरफ है वो बाहर जाने का रास्ता, वापस इस तरफ की ओर है। सो अब हम यहाँ से निकलते भाई, बहुत गर्मी है और अभी 3:30 बज गए हैं और इंडो पाकिस्तान बॉर्डर को देख लिया है। बाहर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है और लोग भी बहुत सारे आ रहे हैं आज, तो पता नहीं क्यों कितने सारे लोग आ गए यार। मैंने सोचा ही नहीं था, मैंने सोचा मैं अकेले होऊंगा यहाँ पर, बहुत सारे लोग हैं।
और यहाँ पाकिस्तान की बॉर्डर देखने को मिली, पाकिस्तान की तरफ के जो एरिया है वो देखने को मिला, कुछ गाय देखने को मिली, इंसान एक भी नहीं, फौजी एक भी नहीं, कोई देखने को नहीं मिला। ओके तो चलते हैं अब यहाँ से। वीडियो यहाँ तक देखा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यहाँ कोई टिकट विकेट नहीं है, ये तो मैंने आपको पहले नहीं बताया, तो खाली आपको एक सिक्योरिटी परमिशन लेनी पड़ती है, आधार कार्ड वो जरूरी है बस। चिट्ठी हाँ, वो चिट्ठी मिलती है, वो खास तौर से आपको एंट्री वहाँ पे करवा के फिर आना होता है, बाकी यहाँ पे कोई है नहीं। बाकी फैसिलिटीज अच्छी है, सुबह शाम आइए, मज़ा आएगी आपको। थैंक यू फॉर विजिट इंडो पाक बॉर्डर। और अब हम यहाँ से निकलते हैं, ये रही पाकिस्तान की बॉर्डर फेंसिंग और उस तरफ वो है चेक पोस्ट। तो भाई साहब फिलहाल हम थोड़े रोड से नीचे उतर गए हैं और यहाँ पे ये नमक जमा हुआ झील समझ लीजिए, और ये नमक ही है यहाँ पे, जैसे हम ज़ोर से यहाँ पे लात मारते हैं ना तो अंदर से कीचड़ जैसा निकलता है और पूरा पीछे नमक का मैदान है। आप विवेक खड़ा होकर दिखाइए, खड़ा होकर दिखाइए, ये पूरा नमक का मैदान है यहाँ पे, पूरा कीचड़ जैसा नीचे से निकलता है और ये पूरा जमा हुआ एकदम आपको नमक की झील समझ लीजिए आप, नमक ही नमक है और कुछ नहीं। और सामने ये पाकिस्तान है और ये पूरी फेंसिंग दिख रही है आपको, इंडिया की बॉर्डर लाइन उस तरफ जाती है और इस तरफ वो स्मारक बना हुआ है। तो अमेजिंग अद्भुत जगह है और मैं काफ़ी खुश हूँ यार, मतलब मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा बेहतर जगह देखने को मिली यहाँ पे। तो यहाँ पे मस्ट विजिट, एक बार ज़रूर आइएगा, शाम या सुबह को ही आइए तो ही मज़ा आएगी आपको। और हमारे ऋषभ को देखो, ऋषभ कैसा लगा? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। विवेक आपको? विवेक से जानते हैं, विवेक कैसा लगा यहाँ के? बहुत बढ़िया, मजा है, कैमरे के सामने देखो। हाँ जबरदस्त। हाँ क्या देखने को मिला आपको यहाँ पे? नमक, नमक देखने को मिला, बॉर्डर देखने को मिला, झंडा देखने को मिला। यस, तो ये हमारे बच्चे हैं जो काफी होशियार हैं। और ये सब आपको क्या क्या मजा आई, कैसा लगा यहाँ के? मजा आया। तो विवेक को भी, ऋषभ को भी काफ़ी मज़ा आया। अंगलू तो खाए, अंगलू जब से लिया 1 किलो पूरा खा लिया है। और ये है हमारा इंडिया और उस तरफ सामने है पाकिस्तान। क्या लगा आपको? बहुत मज़ा लगा यहाँ पे आके। क्या खास लगा? बहुत पाकिस्तान बॉर्डर देखने को मिला और ये नमक सब पूरा। ऐसा पहले कभी देखा है? नहीं नहीं दोस्तों, इस वीरान जगह पे जो चेक पोस्ट से 20 किलोमीटर अंदर जाते हैं तो इस बीच में नमक के मैदान में भी आपको वन्य प्राणी देखने को मिल जाते हैं। मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, मुझे ये आपको दिख रहा है घुड़कर, एक गधा है जो कच्छ के रण में रहता है और ये पालतू नहीं है, बस जंगली गधा है। और हिरण देखने को मिला, नीलगाय देखने को मिला, बाकी इस जगह पे कुछ नहीं। कुछ भैंसें दिखी ज़रूर लेकिन फ़िलहाल के लिए नहीं। ये सब इसलिए कि यहाँ पे जो पानी की लाइन जा रही है, इस लाइन में से पानी लीकेज होता है तो उसके लिए ये पक्षी और यहाँ पे जिंदा है, बाकी इस जंगल में जिंदा रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है यार। ये देखिए, ये पता नहीं यहाँ पे कौन सी घास है जिसको चरने में लगा हुआ है, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, जमीन ही है लेकिन शायद इसको कुछ कुछ मिल रहा होगा खुराक। वाओ भाई साहब, यहाँ पे जो जंगली गधे बिल्कुल हम उसके ठीक बगल में खड़े, आपको शायद मेरी चश्मा में दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे देखिए, एक इस तरफ जा रहा है वहाँ पे, ये देखिए, और इस तरफ सामने की तरफ देखिए, ये लोग ये हमसे दूर भाग रहे हैं यार, चार इधर हैं कुछ उधर भी हैं। तो मैं आपको पीछे का कैमरा करके दिखा दूँ, मैं नसीब वाला समझता हूँ खुद को कि ये गधे हमको देखने को इतने पास से मिल गए यार। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए भाई, क्या बात है यार, अद्भुत। क्या मैं नीचे उतरूँ तो ये भाग जाएंगे शायद, काफी तगड़े हैं यार। नहीं भागे अभी, मैं भगाता हूँ। तो भाई ये है आपके गधे और ये भाग रहे, देखिए मुझे देख के भागने लग गए। वाओ मजा आ गया यार। अरे पानी, अरे पानी,
मैं गाना गा रहा हूँ पानी रे पानी, तो ये बोलता अरे पानी अरे पानी। ये सब क्या? अले पानी अले पानी, पानी रे पानी। सो अभी हम लोग वापिस अभी बाहर एग्जिट हो जाएंगे। यहाँ से जो सामने आपको बिल्डिंग दिख रही है, यहाँ से करीबन 1.5 किलोमीटर है, और फिर बाद में हम चले जाएंगे वापिस आउटसाइड। तो वहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ मिलिट्री एरिया है, वहाँ तक आपको फिर जल्दी से बाहर निकल जाना होता है। सो अभी हम जा रहे हैं वापिस, और यहाँ पे पूरा स्मारक बन रहा है, और यहाँ पे मिलिट्री जो है परेड भी होगी, बहुत कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा यहाँ पे, तो देखते हैं। ओके थैंक यू, जय हिंद। आपका नाम क्या है? विवेक को पूछा और विवेक ने बोला मेरा नाम विवेक है, फिर बोले ठीक है थैंक यू, पर्ची जमा करा दी और चलो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। टूरिज्म के हिसाब से बहुत बड़ा एक लोकेशन बन जाएगा। ओके ये पूरा बिल्डिंग एरिया है ये वाला देखिए, और यहाँ पे पूरा ये पार्किंग है इस साइड, ये अलग अलग कॉम्प्लेक्स है, वॉशरूम है, अलग अलग एरिया बना दिया है। फिर यहाँ पे आपको रिट्रीट सेरेमनी देखने को मिलेगी, आज शायद यहाँ कुछ प्रोग्राम था इसलिए ये सब ये हॉल बने हुए हैं। ओके और ये बस के लिए पार्किंग बना हुआ है। अब हम यहाँ से एग्जिट हो रहे हैं, यहाँ पे देखिए कैमरे भी लग गए हैं, ये देखिए। सो अभी हम लोग जा रहे हैं कैमल सफारी के लिए। ये कैमल सुबह यहाँ खड़ा था, और ये भाई साहब इस झाड़ियों में बैठे रहते हैं, और इस तरह पाकिस्तान बॉर्डर है, तो हम जाते हैं वहाँ पे और सफारी का मज़ा लेते हैं। कैमल सफारी, कैमल सफारी। क्या विवेक बैठेगा कैमल पे? और ये सब भी अभी ऊँट पे बिठा दे, रुक। अभी तीनों जने बैठ गए हैं कैमल की सफारी। यहाँ पे हम रुके नाश्ता पानी करने के लिए, खाना खाने के लिए रुके, तो यहाँ पे एक छोटी सी दुकान है, दुकान अभी बंद है, दुकान बंद है, तो ये लोग सो गए खाटला लगा के। अभी जाना है अहमदाबाद, यहाँ से 200 किलोमीटर और ये लोग सो गए देखो, और ये सब तो खेलने लग गया यहाँ पे। तो है ये आराम तो चाहिए नहीं यार, सुबह से निकले 5 बजे उठे यार, दौड़ते दौड़ते यहाँ पहुँचे, पूरा घूमा इस धूप में, अभी खाना खाया तो 10-15 मिनट थोड़ा रेस्ट कर। हाँ वो सपरो पापा का, हाँ हाँ रिहाई करो, रिहाई करो। विवेक का तो आज मूड ही खराब है, पता नहीं